हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्पिंडल रनआउट कैसे चेक करना है। अभी फ्रेंड्स मैंने जस्ट ये जो है रनआउट मैं हाथ मशीन पे चेक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये जो है एक्चुअली हमारे को स्पिंडल रनआउट परफेक्टली चेक करने के लिए हमारे को मैंड्रिल लगता है। फ्रेंड्स ये जो है मेरा मैंड्रिल है फ्रेंड्स, ओके। और ये जो है मेरा डायल स्टैंड है फ्रेंड्स, ओके। ये जो है मेरा डायल स्टैंड है, ये जो है एक्चुअली 2 माइक्रोन का डायल लिया है फ्रेंड, ओके। इधर देखो फ्रेंड्स जितना माइक्रोन में है इधर मेंशन रहता है फ्रेंड, ओके। ये जो है अभी मेरा जो डायल है ये जो है फ्रेंड्स 2 माइक्रोन का है, ओके। ये जो है डायल स्टैंड है फ्रेंड्स, डायल है। अभी ये जो है मेरा मैंड्रिल है फ्रेंड्स, ये जो है मेरा मैंड्रिल है। और ये जो है मेरा पुलिस्टर्ड है, ओके। अभी जो ये जो है फ्रेंड्स मैं इधर स्पिंडल में लगाने वाला हूँ फ्रेंड्स, ओके। लगाने से पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, स्पिंडल टेपर जो है आपको क्लीन करके लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक 0 एमबीरे पेपर पॉलिश पेपर लेके WD-40 मार के ये टेपर हमारे को क्लीन करके लेना है फ्रेंड्स, ओके। ये जो है क्लीन करके लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो मेरा मैंड्रिल है फ्रेंड्स, ये जो मेरा मैंड्रिल है अभी मैं स्पिंडल में इंसर्ट करता हूँ फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स अभी मैं मैंड्रिल जो है स्पिंडल में लगा दिया है फ्रेंड्स, ओके। अभी मैं जो है डायल लगा देता हूँ, डायल रीड कर देता हूँ फ्रेंड्स। पहले जेड एक्सिस पूरा नीचे लेना है फ्रेंड्स, 10 mm गैप रखना है, ओके। उसके बाद आपको फ्रेंड्स डायल को फास्ट में लेके आके डायल को 0 काउंट करना है, डायल का हाई पॉइंट निकालना है फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स 60 जो है, ये जो 60 दिखा रहा है मेरा जो है हाई पॉइंट है फ्रेंड्स, ओके। अभी जो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स डायल को 0 करके लेता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स मैं डायल को अभी 0 करके लिया है फ्रेंड्स इधर, ओके। अभी मैं फ्रेंड्स अभी 10 RPM देता हूँ फ्रेंड्स सिस्टम पे आके घर को 10 टाइप करके सिंगल फॉरवर्ड बटन मारना। देखो फ्रेंड्स इधर रन हो जाता है 10 RPM, ओके। एक्चुअल RPM 10। अभी इधर देखो फ्रेंड्स आपका जो है सिंगल RPM टॉप पे देखो फ्रेंड्स कितना दिखाता है। ये देखो फ्रेंड्स टोटल जो है 7 माइक्रोन रीड कर रहा है फ्रेंड्स, ओके। स्पिंडल रनआउट है टॉप, ये जो वाला है फ्रेंड्स टॉप पे है। अभी हम जो है बॉटम पे चेक करेंगे फ्रेंड्स, ओके। अभी मैं बॉटम पे चेक करके लेता हूँ फ्रेंड, ये ऊपर लेता हूँ। जीरो करके लेता हूँ फ्रेंड्स, कितनी देर लगती मिला अभी ये जो है फ्रेंड्स हमारा 8 माइक्रोन का रनआउट है बॉटम पे। 250 mm का लेंथ है फ्रेंड्स, ये टोटल जो मेरा मैंड्रिल है 250 mm का लेंथ है। अभी इसके ऊपर टॉप पे मेरे को 6 माइक्रोन दिखाया और बॉटम पे मेरे को 8 माइक्रोन दिखा रहा है फ्रेंड, ये देखो फ्रेंड, ओके। ये जो है फ्रेंड ऐसा हम स्पिंडल रनआउट चेक करते हैं फ्रेंड। इसको जो ये जो प्रोसेस है फ्रेंड हमारा स्पिंडल रनआउट चेक करने वाला प्रोसेस है फ्रेंड। ये जो है हम एक्चुअली टेपर पे भी चेक करते हैं फ्रेंड, बट आपको टेपर पे एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा फ्रेंड। उसके लिए आपको मैंड्रिल मास्टर चाहिए फ्रेंड,
उसके लिए स्पिंडल रनआउट चेक करने के लिए फ्रेंड्स। अभी जो है ये मेरा जो एक्चुअल आया है 8 माइक्रॉन, ये जो रनआउट है फ्रेंड्स वो मेरा 250 mm लेंथ का है फ्रेंड्स। ओके, ये जो है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड प्रोसेस है स्पिंडल रनआउट चेक करने का। ओके फ्रेंड्स, अभी जो है नेक्स्ट टाइम माई बैकलैश वगैरह कैसे चेक करना है, एक्सिस बाईपास कैसे करना है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।